डियर व्यूअर अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, हमारी आज की वीडियो सूबेदार खुदादाद खान के बारे में है। जी हाँ, वही सूबेदार खुदादाद खान जिसने ताज बरतानिया का सबसे बड़ा फौजी एजाज विक्टोरिया क्रॉस हासिल किया। विक्टोरिया क्रॉस उन फौजी जवानों के सीनों पर सजता है जो कि जंगी मैदान में बहादुरी का मुजाहिरा करते हैं। मलक खुदादाद खान 20 अक्टूबर 1888 को चकवाल जिला के गांव डब में पैदा हुए। इब्तदाई प्राइमरी तालीम अपने गांव के स्कूल से हासिल की। आपने बतौर सिपाही इंडियन क्रोप्स 11 बटालियन में शमूलियत इख्तियार की। 1914 में जब पहली जंगी अजीम छिड़ गई तो मलक खुदादाद खान को, जो कि एक आर्मी मशीन गनर थे, उसको हॉलीबेक बिल्डियम भेजा गया। इसी महाज पर 31 अक्टूबर 1914 को जर्मन नाजियों की जानिब से एक भरपूर हमला किया गया। इस हमले में खुदादाद खान के तमाम साथी सिपाही मारे गए और खुद मलक खुदादाद खान भी जख्मी हुए, लेकिन अकेले खुदादाद खान ने जर्मन नाजियों को रोके रखा, यहाँ तक कि वो पसपा हो गए। एक अंग्रेज अफसर जो ये तमाम सूरत हाल देख रहा था, वापसी पर उन्होंने ताजे बरतानिया से खुदादाद खान के लिए आला फौजी एजाज विक्टोरिया क्रॉस का मुतालबा कर दिया, जिसको माना गया और 7 दिसंबर 1914 को मलका बरतानिया की जानिब से खुदादाद खान को उसके बहादुरी के इवज विक्टोरिया क्रॉस दिया गया। कहते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन ने जंग अजीम में किरदार अदा करने वाले फौजी जवानों के एहसास में एक प्रोग्राम मुनक्कित किया था, जिसकी दावत खुदादाद खान को भी दी गई थी, लेकिन सूबेदार खुदादाद खान ने यह कहकर दावत टुकरा दी थी कि माउंटबेटन ने तकसीम हिंद के वक्त मेरे कौम के साथ अच्छा नहीं किया था और उन्होंने जानिबदारी का मुजाहिरा किया था, लिहाजा मैं किसी ऐसे इंसान के प्रोग्राम में शमूलियत नहीं कर सकता जो कि जानिबदार हो और कौमों के माबेन इंसाफ नहीं कर सकता हो। पाकिस्तान बनने के बाद आपने पाकिस्तान आर्मी के बलोच रेजिमेंट में शमूलियत इख्तियार की और बाबाए बलोच रेजिमेंट कहलाए। आपका इंतकाल 8 मार्च 1971 को मंडी बहाउद्दीन में हुआ और आज भी रावलपिंडी आर्मी म्यूजियम के बाहर खड़ा इनका मुजस्मा इस बहादुर सिपाही की शुजात की याद ताज़ा करती है। जी तो व्यूअर, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम इससे बेहतर और मायारी वीडियोस आपके लिए लाते रहें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।